देखिए मैं अब नीचे आ गई हूँ, अभी छत में थी और यहाँ पे देखिए आज जो अधूरा काम था यहाँ पे बल्ब जो लगा है ना, तो ये अभी आज ही बल्ब लगा है क्योंकि डोरी यहाँ से गई थी लेकिन बल्ब नहीं लगा हुआ था। तो आज रुका हुआ काम जो भी था अटेंडर उसको करवा ली है इन्होंने और फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए बल्ब लग गया है ये वाला, और बाकी तो अंदर ये जो लगे थे रंगीन वाले तो ये तो लगे ही थे, और जो साइड में है तो वो वाला भी फ्यूज हो गया था उधर जो है, ये वाला मैं जला रही हूँ। ये देखिए वो साइड में है ना वो कोने में, तो वो भी फ्यूज हो गया था लेकिन अब ये देखिए मैंने बंद कर दिया। तो अब इनको नहीं जलाऊंगी, अब सिर्फ सिंगल एक ये यही जलेगा, नहीं तो ये वाले चार पांच जलते हैं ना तो फ्यूज होने का भी डर रहता है। और ये देख सकते हैं आप भरपूर उजेला आ रहा है। और मैं अब आ गई हूँ रूम में, शाम हो गई है और अब शाम को क्या करूँगी, शाम को अभी करूँगी जा रही हूँ पूजा, कपड़े चेंज करके पूजा करूँगी, फिर इनको कुछ खाने का मन कर रहा है तो इनके लिए कुछ बनाऊँगी। तो आलू रख दे रही हूँ मैं गैस में उबलने के लिए, और बनाना है क्या आलू मसाला वाला सैंडविच। देखिए मैंने आलू उबाल लिया है और यहाँ पे भी इसका सेटी निकल जाएगा, इसके बाद ही इसको निकालेंगे आलू। दो चाय बना दे कुछ कम में लगे रहो ना, तो चाय वाय पीने का बहुत ही मन करता है। और यहाँ पे देखिए किचन में बहुत ही जल्दी फैल जाता है, क्या करें और कहाँ तक समेटी, कभी कभी लगता जाए रख रहे ऐसे ही। तो देखिए अभी सब ऐसे ही रखा हुआ है, गाय नहीं मिली रोटी देने के लिए, कभी कभी गाय तो खड़ी रहती है दरवाजे नहीं छोड़ती, और कभी कभी गाय आती नहीं है, फिर शाम तक में आती हैं तो उनके लिए रखा रहता है। और यहाँ पे देखिए मास्क, दो मास्क हैं धुले हुए हैं तो यहाँ पे टंगे हुए हैं, और ये कैसे निकल गया यार, ये देखिए ये निकल गया, इसको ऐसे ही टंगा देती हूँ, इसको बनाना पड़ेगा, इसको मैं बना दूँगी फिर और लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारी बर्तन की जाली भी सेट हो चुकी है, ये देखिए बर्तन की जाली सेट हो गई और बहुत ही क्या बन रहा है, बन रहा है सैंडविच बन रहा है बेटू। और यहाँ पे मटर रखे हुए हैं ना, तो मैं मटर को छीले ले रही हूँ ताकि इसमें स्टॉक रखा रहेगा सब्जी वगैरह बनाने के लिए, जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने आलू भी देखो उबाल लिया है मैंने इस पर, ये देखो उबल गया है यहाँ पे, ये देखिए आलू उबल गया है। तो अभी थोड़ा मैं मटर छील लेती हूँ, दो चार और बचे हैं, और ये प्याज लहसुन वगैरह ये सब हमें काटना। मटर छील लूँगी ना तो क्या है ये थोड़ा थोड़ा जो कचरा होता है मटर के छिलका हो जाता है, ये नहीं होगा। और मटर छील के हम रखे रहते हैं, कुछ भी बनाना हो फटाक से बना लेते हैं, इसमें रख लेती हूँ टिफिन में स्टोर कर दूँगी, सब्जी बना जाएंगे। अरे तो ज़्यादा दिन के लिए स्टोर थोड़ी करनी, मतलब आजकल के लिए। हाँ क्या बेटू बात, वही जो सफ़ेद वाला वो थैला टका हुआ उसी में, ये हाँ इसको दे दूंगी गाय को, ये गाय का नाश्ता भी हो जाएगा। अभी क्या बन रहा है मैं मम्मा, बना है आलू का सैंडविच उसके साथ क्या ब्रेड वाला चाय। हाँ चाय, हाँ वो तो बनेगा बाद में बनेगा ना, पहले सैंडविच खाओगे ना, वो तो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ। इसीलिए तो बना रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आलू भी उबल चुका है, और यहाँ पे मसाला रेडी करना है, मतलब आलू का मसाला। तो ब्रेड भी रखा हुआ है, तो इन्होंने ही बोले, बच्चों ने भी बोले कि वो है मम्मी आलू का जो सैंडविच बनता है वही बनाना, तो वही बना रही हूँ। और यहाँ पे आलू का मसाला रेडी करना है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मतलब आलू का मसाला जैसे सैंडविच के लिए बनाओ, समोसे के लिए या कुछ भी मतलब बनाने के लिए, तो आलू मसाला बनाने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है। वैसे सिंपल वाला सैंडविच है तो चाहे जब बना लो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सौंफ और धनिया दही डाल दिया, और उसके बाद मैंने प्याज लहसुन और अदरक मैंने गोड़ के मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज डाल दिया था, मिर्च अब डाल रही हूँ हरी मिर्च, और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा मैं इसको फ्राई इसको भी कर दूंगी कि थोड़ा हल्का कलर चेंज होने तक। और यहाँ पे मैंने आलुओं को छील लिया है, और ये मैं फॉक की सहायता से मैं इसको फिलहाल फटाफट से मैश किए ले रही हूँ। और आप लोग भी बताना कैसे मसाला बनाते हैं, सबका हो गया मसाला बनाने का अलग अलग आइडिया होता है। तो यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा मतलब तामझाम करके मसाला नहीं बना रही हूँ, मटर वाला भी नहीं, सिंपल सा बना रही हूँ। और यहाँ पे आलू देखिए मैश हो चुके हैं, और इसमें डाल दे रही हूँ कुछ मसाले जो हैं, और यहाँ पे मैं हल्दी ऐड किए दे रही हूँ, और कुछ मसाले तो अभी नहीं है, मसाला जो घर वाला था ना मेरा अभी मसाला ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे डाल देती हूँ लाल मिर्च,
तो ये देखिए इसका कलर अच्छा हो गया और मैंने इसको मध्यम आंच में पकाया। अब डाल दूँगी आलू और आलू इसी के ऊपर से डाल दूँगी नमक और इसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे। तो बस मैं फटाफट से इसको मैश कर देती हूँ और आमचूर पाउडर भी अभी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे देखिए ऊपर से मैंने डाल दिया हरा धनिया और ये देखिए आलू का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट अपना अलग हो जाता है। यहाँ पे डब्बे वगैरह जो है ना मैंने जमा दिए हैं, सेट कर दिए हैं। और ये देखिए ब्रेड रखे हुए हैं, तो दो तीन ब्रेड बेटा निकाल लिया है, लेकिन अब जो है ना तो सारे ब्रेड का मैं सैंडविच बना दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे सारे ब्रेड में रेडी कर लियो और ये देखिए किचन में बर्तन अब थोड़ा कम लग रहे हैं और मेरा बर्तन का जाली आ गया ना, तो बहुत ही हमें सहायता हो गई है। मतलब बर्तन सेट कर देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि बर्तन धुलने के बाद उसका पानी जब निकल जाए बढ़िया बर्तन को सेट कर दो तो अच्छा लगता है। तो बहुत दिन बाद कहने के बाद ही हम लेकर आए हैं मिस्टर जी, नहीं तो उनको ये सब पसंद नहीं है, बोलते हैं जाली वगैरह ये सब लगाना पसंद नहीं आता है, अपना सेट करो जहाँ रखना हो। और यहाँ पे देखिए मैं कटोरी में मैं निकाल ले रही हूँ टोमेटो केचप और यहाँ पे बॉटल का ये जो ग्रीन वाला है मतलब चिली सॉस है तो मैं निकाले ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास क्या नहीं है, बटर, तो बटर नहीं है और इन लोग का अचानक से मन हुआ मतलब ये खाने का, तो हम किससे बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं भाई देसी घी से। तो देसी घी से भी बनाना आप लोग बहुत ही बढ़िया, हमारा सैंडविच बनकर रेडी होता है क्योंकि देसी घी का ना अपना एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार चाय बनाया था ना इसके पहले का ये डंका रखा हुआ है, यहाँ पे जो हमारे पास घर पे घर का बनाया हुआ घी है उसी को मैं कटोरी में निकाल ले रही हूँ और इसी से हम बनाएंगे, तो इससे हमारा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए फरमाइश हुआ और मेरे पास जो भी सामान पड़ा था मैं उसी से रेडी कर रही हूँ। तो बस फटाफट से अब देखिए इसको लगाती जाऊँगी, तो बड़ा सा जो चमचा है मैं उसको ली हुई हूँ, फटाफट से ब्रेड में मैं लगाती जाऊँगी। तो अपना अपना बनाने का तरीका होता है, मेरे पास चीज़ वगैरह भी कुछ भी नहीं, मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को। और बच्चों को तो सैंडविच वैसे पसंद आता है, मुझे और मेरे पति देव जी को ना आलू वाला पसंद आता है तो इसलिए। और यहाँ पे आलू जिसके आलू मसाला जो है तो एक साइड में लगाते जाएंगे और एक एक, एक साइड के ब्रेड में और दूसरे साइड के ब्रेड में हम लगाते जाएंगे क्या, टोमेटो सॉस जो हमने लिया हुआ है और चिली सॉस जो हमने लिया हुआ है, तो इसको हम एक चम्मच की सहायता से लगाएंगे और इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। चीज़ होता तो भाई थोड़ी और भी अच्छा स्वाद आ जाता है, लेकिन हो गया कोई बात नहीं, जिससे हम उसी से काम चला लेते हैं, हम उसी से तैयार कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए गैस को ऑन कर लेते हैं, तवा चढ़ा दिया हमने, यहाँ पे घी लिया है तो घी को भी हमें, मैंने यहाँ पे गंजी रखी थी ना दूध वाली तो मैंने किनारे कर दिया कि शायद आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है, तो ये अब गैस को हमने धीमा कर लिया है। और चलिए फिर फटाफट से इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा घी आधा चम्मच और बस अब घी डाल के क्या करेंगे अपने, ये हमने जो ब्रेड रेडी किए हैं तो फटाफट से इसको हम इस पर रखते जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो भी मतलब हमारे ब्लॉग में कमी हो आप हमको वो भी बताना, तो हम लोग ज़रूर मतलब अच्छे से और भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़थाली, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए YouTube फैमिली और आ जाइए साथ में खाते हैं। और इसके बाद फिर बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि तीखा के बाद कुछ नमक के बाद फिर चाय हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो आ जाइए जल्दी से झटपट नाश्ता करने के लिए।